नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी हमेशा शेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स हमारे वीडियोस में आते हैं उसका आंसर देना चाहूँगा। हमने ना टैली की एक सीक्वेंस वीडियोज़ अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि टैली का यदि हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, टैली के लिए यदि हमको जॉब चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम तैयार कर लें, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, एज अ फ्रेशर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी आप अभी फ्रेशर हो, आपने अभी कहीं जॉब स्टार्ट नहीं की है, आप जस्ट जॉब करना चाहते हो। तो एज अ फ्रेशर आपसे टैली में केवल ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टैली के बारे में केवल ओवरऑल आखिर टैली का यूज़ क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो यदि आप टैली के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जी हाँ, अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं ये सबसे अच्छे तरीके से उनको पता होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। और यदि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, अभी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो टैली के बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए आप 11th और 12th की कॉमर्स की बुक जरूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको जो अकाउंटिंग है उसके बेसिक प्रिंसिपल मालूम चल जाएंगे। तो यही इंटरव्यूअर जो होता है, जो भी टैली के लिए आपको सिलेक्ट करता है, उसको ये सोचता है वो कि इसको एक्चुअल में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है क्लियर। इसके बाद आता है कि टैली में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टैली में यह पूछा जाता है सबसे पहले कि भैया व्हाट इज टैली, टैली क्या है। वो ये चेक करता है इंटरव्यूअर कि इनको टैली के बारे में एक्चुअल मालूम है कि नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप टैली के लिए जॉब सर्च करने आए हो, आप टैली के लिए इंटरव्यू देने आए हो, तो टैली के बारे में आपको मालूम है कि नहीं मालूम। तो टैली में यह प्रश्न किया जाता है भाई टैली क्या है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है और उस एंट्रीज को एक रिपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। आप ऐसे शॉर्टकट में उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि टैली में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो टैली जो अकाउंटिंग है उसको कंप्यूटराइज्ड रूप में लेकर के आता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बदल दिया और इसके टैली कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया ये सॉफ्टवेयर टैली है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इसका आप फीचर बतला सकते हो कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। जी हाँ, इसमें एंट्रीज करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट होती है, आप इसको, इस रिपोर्ट को अलग अलग लैंग्वेज में देख सकते हो, जिससे कि कोई भी व्यापारी जो जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें अपने अकाउंटिंग को देख सकता है। इसका बहुत ही शानदार ये फीचर है जिसको बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट फीचर। इसके बाद टैली का सबसे बढ़िया फीचर है और वो है मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट। जी हाँ, यदि आपके ऑफिस में टैली में काम हो रहा है और आप उसको, उसके डेटा को देखना चाहते हैं अपने घर में, अपने लैपटॉप में, अपने ऑफिस में, तो ये कनेक्ट हो जाता है और इसका डेटा आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करता है, ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इस प्रकार से आप एक दो फीचर्स इसके जो है वो आपको समझ करके जाना है। बाकी अगर आप टैली कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में जाएंगे तो इसके सारे अलग अलग वर्जन और उनके फीचर के बारे में भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी और वो है टैली प्राइम वर्जन, जिसमें काफी इंटरफेस, जो टैली ईआरपी 9 आया था उसके बाद काफी इंटरफेस में चेंज कर दिया गया है और इसके फीचर भी कई, बहुत सारे एडवांस फीचर आ चुके हैं। टैली के बारे में यदि आप बहुत अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने अपने यूट्यूब चैनल में टैली से रिलेटेड, टैली में किस तरीके से काम होता है और क्या काम होता है जिसमें आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, उन सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से हमने समझाया हुआ है अपने YouTube चैनल में। यदि आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप अभी जाइए और उन पूरे वीडियोस को देख करके अपने टैली के नॉलेज को बढ़ाइए। इसके अलावा कहीं पर भी आप अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर यह भी प्रूफ करना होगा कि टैली का नॉलेज के साथ साथ आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है, तभी आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो सर्टिफिकेट के लिए आप हमारी संस्था
के ऐप जिसका नाम माई कंप्यूटर कोर्स ऐप है, इसे आप डाउनलोड करके इसमें टैली के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी जाइए माई कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इसका सर्टिफिकेट घर बैठे आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो ये बतला दे, यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देख लिए और अगर आपको पहले से टैली का नॉलेज है तो आप बस कोर्स ज्वाइन कीजिए और आपको सर्टिफिकेट 24 आवर में ईमेल कर दिया जाएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको इसमें पूरा डे 1 से लेकर के डे 19 तक का कंटेंट भी मिलेगा और उसके बाद सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से मिलेगा जिसका फॉर्मेट आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टैली के वीडियोस देखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।